हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में पढ़ रहे थे। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम त्वरित निर्देश तंत्र, या रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम घूर्णी निर्देश तंत्र। तो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, लिफ्ट का एक एग्जाम्पल हमने किया था, और अब आज हम लोग रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे। रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम या घूर्णी निर्देश तंत्र, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल अर्थ है। पृथ्वी जो है लगातार घूर्णन कर रही है, तो उस पर स्थित जो भी रेफरेंस फ्रेम है वो घूर्णी निर्देश तंत्र होगा। सो घूर्णी निर्देश तंत्र के बारे में हम ये पढ़ेंगे, रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो हमारे पास एक फ्रेम है एक्स वाई जेड, जो स्टेशनरी है, स्थिर है, और उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में फ्रेम आर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। सो रेफरेंस फ्रेम एस स्थिर है और आर घूर्णी निर्देश तंत्र है, जो एस के सापेक्ष एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। टी इज इक्वल टू जीरो पर दोनों की एक्सिस कोइंसाइड कर रही हैं, दोनों की अक्ष संपाती हैं। फ्रेम एस स्टेशनरी है, तो इसलिए उसकी एक्सिस तो स्थिर रहेंगी, और फ्रेम एस डैश क्योंकि या आर फ्रेम आर मूव कर रहा है, तो एक्स डैश मूव कर एक्स डैश जो पहले एक्स से कोइंसाइड कर रही थी, अब ओमेगा टी एंगल से घूम जाएगी। उसी तरह वाई डैश जो पहले वाई से कोइंसाइड कर रही थी, ओमेगा टी एंगल से घूम जाएगी। तो जेड एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है फ्रेम आर। सो अगर फ्रेम एस में हम पी कोऑर्डिनेट जिसके एक्स वाई जेड हैं, फ्रेम आर में उसके एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हैं, तो ओ पी की वैल्यू फ्रेम एस में मेजर करते हैं तो आर है आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। अगर फ्रेम आर में मेजर करते हैं होगी वही ओ पी वैल्यू, हो जाएगी आर डैश आई डैश एक्स डैश प्लस जे डैश वाई डैश प्लस के डैश जेड डैश। सो क्योंकि ओ और पी कांस्टेंट हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चाहे हम फ्रेम एस में मेजर करें चाहे फ्रेम एस डैश में मेजर करें, सेम रहेगा। सो आर इज इक्वल टू आर डैश। तो बट क्योंकि आर रोटेटिंग है, इसकी एक्सिस की डायरेक्शन बदल रही है, तो जब डायरेक्शन बदल रही है तो आई डैश बदलेगा, जे डैश बदलेगा, के डैश बदलेगा। सो आई जे के तो कांस्टेंट है, बट आई डैश जे डैश के डैश बदल रहे हैं। सो आर की वैल्यू हम आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड भी लिख सकते हैं, और आई डैश एक्स डैश जे डैश वाई डैश के डैश जेड डैश भी लिख सकते हैं। अब अगर हम वेग का रूपांतरण करें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, डी आर बाय डी टी। सो आर अगर हमारे पास है आई डैश एक्स डैश प्लस जे डैश वाई डैश प्लस के डैश जेड डैश, चूँकि निर्देश तंत्र आर के घूर्णन से इसके अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश आई डैश जे डैश के डैश भी बदलते हैं, तो इनका भी डिफ्रेंसिएशन होगा। सो विद द रोटेशन ऑफ फ्रेम आर द यूनिट वैक्टर्स आई डैश जे डैश के डैश अलॉन्ग द एक्सिस वुड ऑल्सो चेंज। सो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक तो एक्स वाई जे जेड डिफ्रेंशिएट होंगे और एक आई डैश जे डैश के डैश डिफ्रेंशिएट होंगे। सो आई डैश डी एक्स डैश बाई डी टी, जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के डैश डी जेड डैश बाई डी टी प्लस एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी प्लस वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी एंड जेड डैश डी के डैश बाई डी टी। तो फर्स्ट टर्म तो आपको क्लियर दिख रही है, ये वी डैश है फ्रेम आर में वेलोसिटी, और सेकेंड टर्म के बारे में हम अभी आगे देखेंगे। सो यदि निर्देश तंत्र एस के संकारक डी बाई डी टी के अनुरूप तंत्र आर में संकारक को हम डी डैश बाई डी टी से व्यक्त करें, तो आर में कण का वेग हम निकाल रहे हैं अभी। सो ऑपरेटर डी बाई डी टी इन फ्रेम एस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर डी डैश बाई डी टी इन फ्रेम आर, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन आर वी डैश क्या हो जाएगा, डी डैश आर डैश बाई डी टी। जैसे फ्रेम एस में डी आर बाई डी टी है, अगर फ्रेम आर में लेंगे तो डी डैश बाई डी टी डैश आर डैश। सो डी डैश बाई डी टी ऑफ आर डैश ये किसके बराबर है, डी डैश आर बाई डी टी। इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो क्या आएगा, आई डैश डी एक्स डैश बाई डी टी
जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के डैश डी जेड डैश बाई डी टी। सो वी डी आर बाई डी टी वो कितना है, आई डी एक्स बाई डी टी, जे डी वाई बाई डी टी, के डी जेड बाई डी टी। तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन हमारे पास है इक्वेशन वन, इसमें अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसके लिए पहले हम डी आई डैश बाई डी टी वाली टर्म्स को थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो v किसके बराबर होता है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओमेगा क्रॉस r। तो स्थिति सदिश r के कण का रेखीय वेग क्या होगा, v ओमेगा क्रॉस r। नाउ v को हम लिख सकते हैं dr आर बाई डी टी, तो dr आर बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें d बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस डैश, जो यहाँ पे वेक्टर है वही राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर है। तो अगर इसी इक्वेशन को हम ऑपरेट करते हैं वेक्टर आई डैश पे तो क्या हो जाएगा, डी आई डैश बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई डैश। सिमिलरली डी जेड डैश बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे डैश, डी के डैश बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस के डैश। तो इक्वेशन वन में अगर हम इसको रखना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आई डैश एक्स डैश प्लस जे डैश वाई डैश प्लस के डैश जेड डैश, और ये क्या है आर। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। डी आर बाई डी टी हो गया वी, डी डैश आर बाई डी टी हो गया वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, या वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये इक्वेशन है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी की। तो अगर हमें फ्रेम एस में वेलोसिटी पता है तो फ्रेम एस आर में जो रोटेटिंग फ्रेम है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। सो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, वी डैश है डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है ये एक ऑपरेटर इक्वेशन है, एक संकारक समीकरण है जो इस वाले केस में वेक्टर आर पर ऑपरेट कर रही है। क्या है संकारक समीकरण, डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। तो ये किसी भी वेक्टर पर ऑपरेट कर सकती है। तो ऑपरेटर, दिस इज द ऑपरेटर विच कैन बी ऑपरेटेड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टू फाइंड द एक्सेलरेशन। यहाँ पहले हमने इसको संकारक समीकरण निकाल लिया और अब ये संकारक समीकरण किसी भी सदिश पे हम ऑपरेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी पे अगर इसको ऑपरेट कराते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। सो निर्देश तंत्र एस में कण का त्वरण ज्ञात करने के लिए इस संकारक को कण के वेग पर प्रयुक्त करते हैं। तो d बाई डी टी ऑफ क्या, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस किसका, डी आर बाई डी टी। सो डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा, नाउ डी आर बाई डी टी कैन बी रिटन एज डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डैश टू आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर डी डैश आर बाई डी टी प्लस डी डैश ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो सिंप्लीफाई कर दें, डी डैश आर बाई डी टी क्या है, वी डैश। सो डी डैश टू आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश, एक ओमेगा क्रॉस d डैश r बाई डी टी और दूसरा ओमेगा क्रॉस d डैश r बाई डी टी। फिर तो 2 ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r, और जो टर्म है d डैश ओमेगा बाई डी टी क्रॉस r। नाउ ओमेगा इज कांस्टेंट, नियत कोणीय वेग से गति हो रही है तो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा एक नियतांक है, तो d डैश ओमेगा बाई डी टी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, a इज इक्वल टू ए डैश प्लस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, या a डैश इज इक्वल टू a माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। a डैश है एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम, घूर्णी निर्देश तंत्र में कण का त्वरण, a है स्थिर निर्देश तंत्र में उसका त्वरण, एक्सेलरेशन इन स्टेशनरी फ्रेम। सो ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस सम क्वांटिटीज, तो ये दोनों क्वांटिटीज किस वजह से आ रही हैं, फ्रेम के घूर्णन की वजह से, रोटेशन की वजह से। सो ये दोनों क्या हैं, ये स्यूडो एक्सेलरेशन हैं, आभासी त्वरण है। तो इसमें पहला वाला जो है वो कहलाता है कोरिओलिस त्वरण और दूसरा वाला कहलाता है अपकेंद्रीय त्वरण।
तो कोरिओलिस एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए डैश इक्वल टू एम ए माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। सो एफ डैश इज एफ प्लस एफ ए, दैट इज एक्चुअल फोर्स प्लस अपेरेंट फोर्स या स्यूडो फोर्स, वास्तविक बल और आभासी बल। तो अभी आभासी बल दो कौन कौन से हैं, एक तो है कोरिओलिस फोर्स माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में अपीयर हो रहा है और ये अपीयर हो रहा है सिर्फ पार्टिकल की पोजीशन की वजह से, क्योंकि ओमेगा तो एग्जिस्ट करेगा ही, सी एंगुलर वेलोसिटी है और आर उसका पोजीशन वेक्टर है। सो अगर कोई पार्टिकल है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्ट करेगा, बट कोरिओलिस फोर्स कब एक्ट करेगा, जब बॉडी रोटेटिंग फ्रेम में मूविंग है। अगर वी डैश एग्जिस्ट करता है तभी कोरिओलिस फोर्स होगा, अगर वी डैश की वैल्यू ज़ीरो है तो कोरिओलिस फोर्स ज़ीरो होगा। सो कोरिओलिस बल कब लगेगा, जब घूर्णी निर्देश तंत्र में कण गति कर रहा है। तो अब हमारे पास अगर ओमेगा और वी डैश इन दोनों के बीच का जो एंगल है या कोण है वो थीटा लेते हैं, तो ओमेगा क्रॉस वी डैश क्या हो जाएगा, ओमेगा वी डैश साइन थीटा एन, एन जो है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ओमेगा एंड वी डैश। अब अगर ओमेगा और वी डैश परस्पर लंबवत हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 हो गया, साइन थीटा 1 हो गया, सो एफ सी मैक्सिमम हो जाएगा माइनस टू एम ओमेगा वी डैश। अगर ओमेगा और वी डैश एक ही डायरेक्शन में हैं, दे आर पैरेलल, तो थीटा 0 हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा और एफ सी मिनिमम भी 0 रहेगा। सो ये दो पीक्स हैं, एफ सी मैक्सिमम और एफ सी मिनिमम। सो मैंने आपको बताया कि रोटेटिंग फ्रेम का एक क्लासिक एग्जांपल अर्थ है, तो अब हम अर्थ के रिलेटिव मोशन स्टडी करेंगे। सो मोशन रिलेटिव टू अर्थ, पृथ्वी के सापेक्ष गति। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पृथ्वी का चक्रणी गति में कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। पृथ्वी हमें पता है लगातार अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन रोटेट कर रही है और एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2π/T, तो 2 × 3.4 / 24 × 60 × 60 कितना हो गया, 7.29 × 10⁻⁵ रेडियंस पर सेकेंड। ये अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है। सो अब अर्थ की वजह से हम ये देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है कोरिओलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो माना पृथ्वी पर लैम्डा अक्षांश वाले किसी बिंदु पी पर एक कण स्थित है, बिंदु पी को मूल बिंदु मानते हुए एक निर्देश तंत्र खींचते हैं, रेफरेंस फ्रेम हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसका एक्स डैश अक्ष पूर्व दिशा की ओर, वाई डैश अक्ष उत्तर दिशा की ओर तथा जेड डैश अक्ष ऊर्ध्वाधर अर्थात पृथ्वी के सतह के लंबवत ऊपर की ओर होता है। सो लेट अ पार्टिकल बी सिचुएटेड एट पॉइंट पी एट लैटिट्यूड लैम्डा ऑन अर्थ सर्फेस, लेट अस कंसिडर अ रेफरेंस फ्रेम विद ओरिजन एट पी, x dash axis along the east, y dash axis along the north and z dash axis vertically upward। तो ये डायग्राम में यहाँ क्लियर हो रहा है, ये अर्थ पे ये p पॉइंट लैम्डा लैटिट्यूड पर है। सो ये p पॉइंट यहाँ पे लैम्डा लैटिट्यूड दिख रहा है, तो z dash axis से अगर हम ओमेगा का एंगल लें तो 90 − λ आ जाएगा, अगर y dash पे ओमेगा का एंगल लेंगे तो वो लैम्डा हो जाएगा। तो ओमेगा के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो अलॉन्ग वाई डैश और एक अलॉन्ग जेड डैश। तो अलॉन्ग वाई डैश तो हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्डा, तो और जेड डैश के अलॉन्ग हो जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश। अब हम इफेक्ट ऑफ कोरिओलिस फोर्स देखेंगे। कोरिओलिस फोर्स कब एक्ट करेगा, जब पार्टिकल मूविंग है। जब पार्टिकल मूविंग है तो वो दो डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या तो क्षैतिज दिशा में गति करेगा या ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करेगा। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन का देखेंगे। सो इफेक्ट ऑफ कोरिओलिस फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ, पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरिओलिस बल का प्रभाव।
तो माना पृथ्वी पर m द्रव्यमान का एक कण लैम्डा अक्षांश वाले स्थान p पर v डैश वेग से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है. सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v डैश एट लैम्डा एट लैटिट्यूड. तो जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट प्लेन में मोशन कर रहा है तो v डैश किसके बराबर होगा, वी एक्स डैश आई डैश प्लस वी वाई डैश जे डैश. तो कोरोलिस एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ हम स्मॉल एफ से इसको मेंशन कर रहे हैं, एफ सी इज माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश. तो हमारे पास ओमेगा क्या है, ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश, ओमेगा साइन लैम्डा के डैश, और वी क्या है, वी एक्स डैश आई डैश और वी वाई डैश जे डैश. तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा आई डैश टू ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा माइनस जे डैश टू ओमेगा वी एक्स डैश साइन लैम्डा प्लस के डैश टू ओमेगा वी एक्स डैश कॉस लैम्डा. तो इसके तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं इसमें. अब हमारे पास आई जे के तीनों कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें आई और जे तो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएंगे और के वाला जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा. तो एफ सी एच कोरिओलिस बल का क्षैतिज घटक या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कोरिओलिस एक्सेलरेशन क्या होगा, टू ओमेगा साइन लैम्डा आई डैश वी वाई डैश माइनस जे डैश वी एक्स डैश. अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो क्या होगा, टू ओमेगा साइन लैम्डा अंडर रूट वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर या टू ओमेगा वी डैश साइन लैम्डा. और अगर कोरिओलिस त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कोरिओलिस एक्सेलरेशन क्या होगा, टू ओमेगा वी एक्स डैश कॉस लैम्डा. तो कोरिओलिस एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी. तो अब कोरिओलिस बल के प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं जैसे चक्रवात, नदियों का कटाव आदि की व्याख्या की जा सकती है. सो कोरिओलिस फोर्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन वेरियस नेचुरल फिनोमेनाज ऑन अर्थ सर्फेस लाइक साइक्लोन्स, इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स एट्सेट्रा. सो पहले हम ले रहे हैं इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स या नदियों के किनारों पर कटाव. सो माना उत्तरी गोलार्ध में एक नदी में पानी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर दैट मीन्स अलोंग ईस्ट, तो आई डैश डायरेक्शन में. तो वी डैश की वैल्यू क्या होगी, आई वी एक्स डैश वेग हो गया. तो सपोज द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो वी डैश क्या हो गया, आई वी एक्स डैश. तो अब हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हमने लिया हुआ था टू ओमेगा साइन लैम्डा आई डैश वी वाई डैश जे डैश वी एक्स डैश. तो हमारे पास सिर्फ आई डैश वाला कंपोनेंट है वी एक्स डैश, जे डैश वाई डैश वाला है ही नहीं कंपोनेंट. तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वी सी एच क्या होगा, माइनस जे डैश टू एम वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्डा. तो अब आप इमेजिन करो कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, मूव कर रहे हो और रिवर जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है और इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, माइनस जे डायरेक्शन में. जे क्या था, नॉर्थ ऊपर की तरफ, तो माइनस जे लग रहा है मतलब नीचे की तरफ. तो अब जब नदी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है और उस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है दैट मीन्स उसका दाहिनी तट पे फोर्स लग रहा है. तो नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव बहाव की दिशा से दाहिनी ओर होता है मतलब राइट बैंक ऑफ द रिवर, और उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा हो जाएगा. तो सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होगा. सो इरोजन ऑफ रिवर बैंक ऑन द राइट साइड अकर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, इट इज़ द अपोजिट. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इरोजन हो रहा है व्हेन द रिवर इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट इज़ ऑन द राइट बैंक, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट बैंक में हो जाएगा. नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं साइक्लोन्स या चक्रवात. तो जब पृथ्वी के किसी स्थान पर अत्यधिक गर्मी या किसी अन्य कारण से न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है तो वायु अधिक दाब क्षेत्र से इस न्यून दाब क्षेत्र की ओर अत्यधिक वेग से आने लगती है. फलतः वायु के कणों में कोरिओलिस बल, क्योंकि स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई, सो इन पे कोरिओलिस फोर्स लगेगा. तो वायु के कणों में कोरिओलिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा उग्र दोनों दिशा में लगने लगेगा. तो राइट एंड वर्टिकल, और इसके कारण क्या होगा, वायु के कण स्पाइरल मूवमेंट होने लगेगा. तो अगर जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है ये, इस तरह से आप डायग्राम में देखिए
ये कर्व होते हुए इस तरह से मूव करेगा, जैसे नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आ रही है तो ये यहाँ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, ये राइट साइड में मूव कर रहा है तो टुवर्ड्स साउथ, और ये इस तरह से। तो जब हम इनका रिजल्टेंट लेंगे तो हमारे पास ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो जाएगा। तो वामावर्त चक्रवात का निर्माण हो जाता है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन प्रोड्यूस हो जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में इसका ऑपोजिट होगा। तो द साइक्लोन्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कोरिओलिस फोर्स। व्हेन एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकम्स हॉट एट सर्टेन प्लेसेस, इट गोज अप एंड क्रिएट्स लो प्रेशर एट दैट प्लेस। एज अ रिजल्ट एयर रशेस विद अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टूवर्ड लो प्रेशर एरिया। हैंस कोरिओलिस फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द एयर पार्टिकल्स विच रोटेट द एयर एंटी क्लॉकवाइज, स्पायरलिंग अपवर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो कोरिओलिस फोर्स की वजह से ये इफेक्ट, साइक्लोन इफेक्ट हमें दिखता है। सो आज हम लोगों ने ये करा कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है तो कोरिओलिस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टिकल का या बॉडी का मोशन कंसिडर करेंगे वर्टिकल प्लेन में। तो जब वर्टिकल प्लेन में बॉडी मूव कर रही है तो कोरिओलिस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट टर्न पर हम इसी में आगे बढ़ेंगे, कोरिओलिस फोर्स का इफेक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ वर्टिकल प्लेन।